जीडीपी के आंकड़े जारी होने के बाद से ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि 12 करोड़ रोजगार गायब, 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था गायब, आम नागरिक की आमदनी गायब, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब, विकास गायब है। बता दें, बीते सोमवार को अप्रैल मई जून 2020 के जीडीपी आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें देश की विकास दर -23.9% रही है। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम मोदी की वजह से देश 6 तरह की आपदाएं झेल रहा है।